प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक दमदार और एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे कि हिंदू महिलाओं ने कसम खाई है कि अब आगे से वो किसी भी मुसलमान या कट्टरपंथी की दुकान से कोई भी सामान या कोई भी चीज नहीं खरीदेंगे। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे भारत की बेटी और हिंदुस्तानी शेरनी सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट दमदार और इम्पोर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। सलमान है उनसे तंग आकर, उनके रवैयों से तंग आकर, उनकी जो सारी चीजें जो है, जो वो वहां पर कुछ गलत कर रहे हैं उनको देखकर जो वहां के जो सनातनी जो बहन भाई हैं उन्होंने एक फैसला किया। फैसला क्या है आप पहले वीडियो देखें और उसके बाद में इसके ऊपर मैं आपकी राय दूंगा। आज से हम संकल्प लेते हैं, हम संकल्प लेते हैं विधर्मियों की, विधर्मियों की दुकानों से, दुकानों से कपड़ा, कपड़ा चप्पल, चप्पल अन्य कोई भी वस्तु, अन्य कोई भी वस्तु नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, नहीं उन्हें, नहीं उन्हें कोई वस्तु, अपनी कोई वस्तु बेचेंगे, बेचेंगे। जी बहन आपने ये वीडियो देखी, वीडियो के अंदर जो वहां पर एक ओथ लिया जा रहा है, हलफ लिया जा रहा है कि मुसलमानों की शॉप के ऊपर से ना तो कपड़ा खरीदा जाएगा, ना उनसे कोई जूता खरीदा जाएगा और ना ही उनको चीजें बेची जाएगी। तो ये क्यों, ये ओथ लेने की जरूरत क्यों महसूस हुई और इसका क्या आप देख रही है कि इसका क्या पस मंजर क्या है? देखिए हिंदू धर्म में महिलाओं को शक्ति का रूप कहा जाता है, महिलाओं को बहुत पूजनीय समझा जाता है, महिलाओं को बहुत इज्जत दी जाती है। मैं महाराष्ट्र के पुणे में, मैं कल रात को ही महाराष्ट्र से आई हूँ, मेरी सतारा में, पुणे में और महाबलेश्वर में तीन सभाएं थी। उन तीन सभाओं में तकरीबन मुझे ऐसा लगता है 5 लाख से ऊपर, अगर लोग मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करते हैं तो वो फॉलो करके देख सकते हैं, 5 लाख से, सारे सभाओं में 5 लाख से ऊपर सनातनी हिंदू थे और मैं अकेली मुसलमान लड़की, अकेली मुसलमान लड़की, एकदम अकेली 5 लाख की भीड़ में। हालांकि पुलिस के रिपोर्ट के हिसाब से 3,80,000 सिर्फ सतारा की सभा में लोग थे, सतारा मतलब महाराष्ट्र में जी, जी। तो सब आकर के पैर छू रहे थे, जितने लड़के हैं मतलब मैं आशीर्वाद देते देते थक गई। जो मेरे से उम्र में बड़े हैं वो भी पैर छू रहे हैं, जो उम्र में छोटे हैं वो भी पैर छू रहे हैं। तो हिंदू धर्मों में महिलाओं को एक बहुत ऊंचा, एक बहुत पूजनीय दर्जा दिया गया है और जिस हिसाब से हिंदू बेटियों के ऊपर अत्याचार, हिंदू बेटियों के ऊपर अश्लील नजर, हिंदू बेटियों के का गला रेतना, हिंदू बेटियों का बलात्कार करना मुसलमान मर्दों ने किया है, अब यही शक्तियां इनके विरोध में अब खड़ी हुई। हालांकि मैं कहना चाहूंगी कि बहुत देर हो गई, मेरे हिसाब से बहुत देर हो गई। मुझे याद है बहुत अच्छे से मुजफ्फर भाई के 2018 तक मैंने मुसलमान रेस्टोरेंट में खाया है, मुसलमान जगह से मैंने कपड़े खरीदे हैं और 2018 के बाद से मैं ना ही मुसलमान गलियों में जाना सही समझती हूँ, ना ही मुसलमान दुकान से कुछ खरीदना सही समझती हूँ,
और ना ही मुसलमान रेस्टोरेंट में मैं खाना सही समझती, बिल्कुल सही नहीं समझती। क्योंकि देखिए मेरा भारत बहुत खूबसूरत है, मेरा भारत हमेशा से सारे धर्मों का सम्मान किया है। मेरे भारत में अजान का सम्मान किया जा रहा था, लेकिन जब जब शोभा यात्रा पर और राम भक्तों के ऊपर पत्थरबाजियां हुई, तब तब दिल में ये एहसास जगाने की मुसलमानों ने कोशिश की कि आप मुस्लिम हो करके आप किसी और धर्म के लोगों पर पत्थरें मार रहे हैं, और हिंदू गलियों में जब अजान की आवाज आती है तो वो तो कुछ नहीं बोलते, वो तो कुछ भी नहीं कहते। आप ब्रिज के नीचे आप मजार बना देते हैं, आप समुन्द्र के किनारे मजार बना देते हैं, हालांकि अल कुरान के हिसाब से मजार परस्ती बना है। आप पूरा अजमेर आप मजार का पूरा बाजार बना करके बैठ चुके हैं, बहुत बड़ा कॉर्पोरेट सिस्टम चल रहा है अजमेर में। तो ये सारी चीजें आप कर रहे हैं, 77 साल से किसी भी हिंदू को कोई आपत्ति नहीं हुई है, लेकिन हिंदू को आप आज भी काफिर बोल रहे हैं। आप आज भी उनकी बहु बेटियों को कंधे पे उठा करके आप बलात्कार कर रहे हैं, आज भी आप इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर आप बलात्कार करने को आप जिहाद का नाम दे रहे हैं, आप जोर जबरदस्ती आप हिंदुओं को कन्वर्ट करवा रहे हैं। तो ये सारी चीजें कब तक बर्दाश्त होंगी। अब देखिए असदुद्दीन अवैसी के छोटे भाई ने, जोड़ा अवैसी है उसका छोटा भाई, क्या बोला, 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ फिर देखो हम क्या करते हैं। अरे मैं तो कहती हूँ मुजफ्फर भाई के 15 मिनट के लिए अकबरुद्दीन अवैसी के लिए पुलिस हटा ही दिया जाए, और मेरा दावा है कि 5 सेकंड में मेरे सनातनी भाई बता देंगे कि कौन कितना बड़ा शेर है। 5 सेकंड में बता देंगे मेरे सनातनी भाई कि 82.7% में ज्यादा ताकत है या 7% में ज्यादा ताकत है। ये मेरे सनातनी भाई 5 सेकंड में बता देंगे। अब अगर असदुद्दीन अवैसी को लगता है कि 5 सेकंड में नाजिया कह रही है कि हम लोगों को मार डालेगी, नहीं तो इसका मतलब है कि 15 मिनट में आप भी सनातनियों को मारने के लिए पुलिस हटवा रहे थे, तभी आपने मेरे 5 सेकंड को आपके उसी रूप में लिया जो आप करना चाहते थे। मैं अभी हैदराबाद गई थी, जैसे आपके पाकिस्तान में हलाला सेंटर, जैसे आपके पाकिस्तान में मसियार सेंटर, जैसे आपके पाकिस्तान में मुत्ता सेंटर, वही दिखा मुझे। ओल्ड सिटी आप चार मीनार आप जाइएगा, अच्छे घर की शरीफ मुसलमान औरत भी चार मीनार नहीं जाना चाहिए। जो अश्लीलता है वहां पर चार मीनार पे, कोई भी मर्द बाइक से आते जाते आपको किसी भी तरीके से उस बदन के किसी भी उजू को टच कर दे, वो आपको जैसे भी चाहेगा आपको मलिश कर देगा। चार मीनार समझिए कोठे का बाजार बन चुका है, और मैं ऐलानिया कह रही हूँ कि असदुद्दीन अवैसी को मेरे ऊपर अगर केस करना है तो वो कर सकता है, मेरे पास सारे वीडियो फुटेज है। अब आप मुझे बताएं कि आज भी भारत के मुसलमान जो मोदी जी को और हिंदू सनातन धर्म को जो डिफेम कर रहा है, जो मलाइन कर रहा है, या सनातन धर्म के लोगों को जो काफिर बोल रहा है, मैं पूछना चाहती हूँ कि भारत की तरक्की को अपने घर पर लेकर आना बड़ा मजा आता है जी। भारत में जब कोई इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट होता है तब उस डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करना और उस तरक्की का हिस्सा बनने में बड़ा मजा आता है। आपको मैं दो चार फोटोज दिखाना चाहती हूँ, आप उस फोटोज को देखिए कि डिजिटल भारत को हैदराबाद के मुसलमानों ने अवैसी के दलालों ने कितना एक्सेप्ट किया है, लेकिन वहीं पर भारतीय जनता पार्टी और जैसे ही मोदी जी की बात आती है वो कह देते हैं कि नहीं ये तो हिंदुओं के नेता हैं। अब आप देखिए मुझे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये अल कुरान की किताब की दुकान है जी। ये मौलवी साहब है, ये यूपीआई है, ये हैदराबाद के चार मीनार पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं इसको और जूम करती हूँ ताकि लोग अच्छे से समझ सके। ये मौलवी साहब है, ये पीछे दिख रहा है जी, बिल्कुल दिख रहा है। अब मैं आपको जूम करती, ये यूपीआई है जी, यूपीआई है। तो आप तो डिजिटल भारत का हिस्सा बने हुए हो, आप तो मोदी जी का लाभ उठा रहे हो,
सड़कें मोदी जी की दी हुई, डिजिटल भारत मोदी जी का दिया हुआ, पानी मोदी जी का दिया हुआ, फिर भी आप मोदी जी को कोस रहे हो, फिर भी आप हिंदुओं को काफिर बोल रहे हो, तो ये कब तक चलेगा? अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैं इसलिए काफी चीजें देखी है, मैंने चूड़ियां खरीदी हैं और वहां पे UPI, मैंने उनसे बातचीत भी की है। मैंने उससे पूछा भी है कि UPI जब से इस्तेमाल कर रहे हो भैया, इट्स टू कंफर्टेबल ना? कह रहा है दीदी बहुत अच्छा हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है, जब से UPI आया है तब से हम लोगों के लिए बहुत आराम। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन और इनका अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे आपने खुद ये वीडियो देखी कैसे हिंदू महिलाओं ने अब कसम खाई है कि आगे से वो कोई भी मुसलमान की दुकान से कोई भी वस्तु कोई भी चीज नहीं खरीदेंगे। और दूसरी ओर हमने देखा था अभी कुछ दिन पहले गुजरात के एक मंदिर में कैसे कट्टरपंथियों ने हमला किया था और हमारे भगवानों की जो मूर्तियां थी उन्हें तोड़ दिया था। वेल मुझे भी अब लगता है जो हिंदुओं का सबर का बांध है अब वो टूट चुका है। आने वाले वक्त में अगर सब हिंदुओं ने ये कसम खा ली कि वो किसी भी मुस्लिम या कट्टरपंथी की दुकान से कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे तो इनके लिए बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि आजादी के 75 साल बाद भी ये लोग नहीं सुधरे हैं और आज भी हमें काफिर समझते हैं। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जैसे कि नाज़िया अली खान जी ने कहा, क्या हिंदू समाज को इन लोगों का बॉयकॉट कर देना चाहिए? जो भी आपके विचार हैं आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट दमदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।